नमस्कार, मैं ईशा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पिथौरागढ़ में भारत चीन बॉर्डर के गांव पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी। 12 अक्टूबर को करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आखिरी गांव गुंजी पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। देश की आजादी के बाद से अब तक कोई प्रधानमंत्री धारचूला के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित गाँव तक नहीं पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी 12 अक्टूबर को जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और सीमांत क्षेत्र जोलीकांग जाएंगे। वहां ITBP चौकी में जवानों से मुलाकात कर स्थानीय ग्रामीणों के उत्पाद देखेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही कैलाश के दर्शन करेंगे और पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के बाद प्रधानमंत्री चंपावत स्थित मायावती आश्रम जाएंगे और वहीं रात्रि विश्राम करेंगे। बुरांस, देवदार, बांझ और चीड़ आदि के जंगलों के बीच बसा यह आश्रम देश विदेश के शांति और सौंदर्य प्रेमी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आ रहा स्लीपर वर्जन, लंबी दूरी के लिए मिलेगी सुविधा। अगले साल की शुरुआत से दिल्ली वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 2 स्लीपर कोच जोड़े जाएंगे। दिल्ली से वाराणसी के बीच 758 किलोमीटर की दूरी है, जिसे वंदे भारत ट्रेन को तय करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। वंदे भारत के स्लीपर कोच को चेन्नई स्थित रेल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किया गया है। ये लग्जरी स्लीपर कोच बिल्कुल होटल रूम की तरह नजर आएंगे और इनमें छोटी सीढ़ियां चढ़ने और उतरने के लिए होंगी। वंदे भारत के स्लीपर कोच में काफी स्पेस रखा गया है। इसमें एसी सेकंड की तरह ऊपर और नीचे केवल 2 ही स्लीपर सीटें रखी जाएंगी। इसके अलावा रीडिंग लैंप, चार्जिंग पॉइंट के साथ हर सीट पर एसी विंडो के साथ कई अन्य हाईटेक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। हर कोच में 3 टॉयलेट और पेंट्री कार भी रहेगी। 2029 में एक साथ हो सकता है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, जल्दी प्रकाशित होगी विधि आयोग की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के आसार नहीं हैं। लॉ पैनल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है। हालांकि आयोग कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है, जिससे 2029 में सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सके। वहीं एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाशित होने की उम्मीद है। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का कहना है कि रिपोर्ट में अभी कुछ समय लगेगा, एक साथ चुनाव कराने को लेकर अभी भी कुछ काम चल रहा है। माना जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए आयोग संविधान में संशोधन का सुझाव दे सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी से होंगी 5 करोड़ मौतें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक और संभावित महामारी को लेकर चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया है। WHO ने कहा है कि हो सकता है कि बीमारी फैलना शुरू भी हो गई हो। UK के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि डिजीज एक्स COVID-19 से भी अधिक खतरनाक साबित होगी। इससे पहले 2018-2020 में स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। डिजीज एक्स से भी इतनी ही मौतों की आशंका जताई गई है। UK की वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरमैन रही डेम केट बिंघम का कहना है कि डिजीज एक्स कोरोना वायरस से 7 गुना अधिक घातक हो सकती है। WHO के डेटा के अनुसार दुनिया भर में कोरोना से लगभग 70 लाख मौतें हुई थी और अब डिजीज एक्स ने चिंता बढ़ा दी है। मिस्र के मंदिर में मिला प्राचीन शिलालेख, देवताओं की भाषा लिखी होने का दावा। इन दिनों मिस्र के एक प्राचीन मंदिर की चर्चा जोरों से हो रही है। दावा है कि इस मंदिर से मिले शिलालेख पर देवताओं की भाषा लिखी है। इसे ब्रिटिश म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह शिलालेख किंग टॉलेमी वी के युग का है और उन्हीं का आदेश इस पर लिखा गया है। किंग टॉलेमी वी ने 204 से 181 ईसा पूर्व तक टॉलेमिक मिस्र पर शासन किया था। बाद में शिलालेख की नकल की गई और पूरे मिस्र में सभी मंदिरों में इसी तरह के पत्थर लगाए गए। इस शिलालेख में चित्रलिपि में प्राचीन धर्म ग्रंथ की 14 पंक्तियां लिखी गई हैं। वर्ष 1882 में थॉमस यंग और जीन फ्रांसवा चैम्पोलियन ने इसे डिकोड किया था और इसका अनुवाद दुनिया के सामने रखा था। माना जाता है कि वे देवताओं की भाषा समझने वाले पहले व्यक्ति थे। अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइल ने खरीद रहा जापान, चीन ने उठाए सवाल।
जापान ने अमेरिका से टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। इसके बाद से चीन की बेचैनी बढ़ गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञ सोंग झोंग पिंग के हवाले से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जापान चीन को निशाना बनाने का इरादा रखता है तो संभावित जवाबी हमलों के दायरे में उसे भी शामिल किया जाएगा। चीन को निशाना बनाकर इंडो पैसिफिक में टोमाहॉक मिसाइलें तैनात करने की अमेरिकी योजना निरर्थक साबित होगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जापान टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों की तैनाती एजिस से लेस युद्ध पोतों पर करेगा। एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे युद्ध पोतों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। चीन का मानना है कि अमेरिका चीन के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जापान को मिसाइलें और दूसरे हथियार दे रहा है। यारियां 2 में बॉलीवुड डेब्यू कर रही प्रिया प्रकाश वारियर, 20 को रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड फिल्म यारियां 2 का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है जबकि फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये मलयालम मूवी बैंगलोर डेज का रिमेक है। इस फिल्म में यशदास गुप्ता के साथ दिव्या खोसला कुमार, वरीना हुसैन, मिजान जाफरी विशेष रूप से नजर आएंगे। इसके साथ ही यारियां 2 से प्रिया प्रकाश वारियर और टीवी सेलिब्रिटी पर्ल वी पुरी बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। प्रिया प्रकाश वारियर 2009 में मलयाली गीत ओरू अदार लव की 10 सेकंड की क्लिप से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। यारियां 2 वर्ष 2014 में आई फिल्म यारियां का सीक्वल है। यारियां में जहां दोस्तों की कहानी दिखाई गई थी तो वहीं यारियां 2 में कजन बॉन्डिंग को दिखाया गया है। जब 3 कजन नए शहर में आते थे उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह इस फिल्म में बाखूबी दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।